नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी फ्लैश टीवी न्यूज़ के साथ में। और आज हम हैं धारावी वीके वाड़ी में। और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे सामने जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बिल्डिंग का जो काम हो रहा है। आज इस बिल्डिंग के अंदर के जो एक रहवासी है, ये बिल्डिंग जो KBY डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। और इसके अंदर जो एक बहुत दिनों से एक मसला जो चल रहा है श्री मुकुंद राव जी का, इस मसले को लेकर के एक साफ इंस्ट्रक्शन झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इन डेवलपर्स को दिया गया है कि जब तक का मुकुंद राव का जो कंप्लेंट्स है वो जब तक सॉल्व नहीं होती है, आप कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप करें और उनके मैटर को सॉल्व करें। लेकिन अभी तक भी इनके मैटर को सॉल्व नहीं किया गया है और कंस्ट्रक्शन बाखूबी चल रहा है। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मुकुंद राव जी से कि क्या कारण है आपने जो ये वर्क ऑर्डर लिया था। सर, ऐसा है ना, जो मुझे भाड़ा बाकी है, मेरा दुकान है ना 2010 में तोड़ दिए थे लोग ने, बुलडोजर लेके आके तोड़ दिए थे कलेक्टर का जो भी कुछ परमिशन लेके। और तब से मेरा भाड़ा बाकी है, मैं भाड़ा मांग के तक गया। और अभी जो हाई पावर कमेटी में केस किया तो वो जो पास हो गया, इनको भाड़ा दे दो करके, इनको भाड़ा दे दो, अगर भाड़ा नहीं देगा तो स्टॉप वर्क ऑर्डर निकाल देगा। दो तीन बार ऑर्डर दिया था तो भी वो देने के लिए तैयार नहीं, और जो काम भी बंद करने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया गया, ये जो मुकुंद राव का जो भाड़ा क्लियर तब तक नहीं होता है तब तक काम चालू नहीं करने का, काम बंद रखने का करके। तो भी देखो अभी काम चालू है, उनका जो काम चालू है, ये कोई भी ऑर्डर को नहीं मानता। ये जो बिल्डर KBY डेवलपर से किसी का जो ऑर्डर को नहीं मानता है, तो इसके लिए क्या करें। इसके लिए मैं सब जगह में कंप्लेंट दे दिया, सर में जाके दे दिया और अपना चौकी में दे दिया, सब तरह दे दिया। अभी कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। मुकुंद राव जी की जिस तरह से कंप्लेंट्स है और जिस तरह से मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना महाराष्ट्र शासन की योजना है और महाराष्ट्र शासन के योजना के अंतर्गत जो दिया गया स्टॉप वर्क का जो ऑर्डर है उसको ना मानते हुए कहीं ना कहीं उसकी अवमानना की जा रही है और इसी के साथ साथ ये सरकार की भी अवमानना हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुंबई शहर के अंदर जो जितना भी कार्य रीडेवलपर्स का चल रहा है, बहुत सारी जगह हमने देखा है कि इस तरह की जो धांधलियां है वो खुलेआम चल रही है। आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा डिपार्टमेंट इनको इतनी शक्ति देता है कि लोगों की समस्याएं ना सुनते हुए, उनको ना सॉल्व करते हुए भी ये डेवलपर्स अपनी मनमानी अपनी मनमर्जी करते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार ने इनकी जाँच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने हमसे बात की, उसके लिए धन्यवाद।